अस्सलामुअलैकुम। शाइकीन खेल के लिए एक अफसोस की खबर आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर इमाद वसीम के हवाले से, इमाद वसीम जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर और ऑलराउंडर थे, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, यानी अब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से फारिगी की है, अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। इमाद वसीम का ये फैसला जो है आज शाम को आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान के लिए 2015 में खेलना शुरू किया, यानी 2015 में उन्होंने अपना डेब्यू किया पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट की टीम के लिए, लेकिन बिल आखिर आज उनको एक बड़ा फैसला करना पड़ा। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप 2023 में सबसे पहले अगर लोग गिनते थे, बोलते थे कि पाकिस्तान को अगर हार मिली तो इसका सबसे बड़ा कारण था इमाद वसीम, जो कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे और साथ साथ ऑलराउंडर भी थे, बैटिंग भी करते थे, और 2022 से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उन्हें जगह नहीं मिली, यानी जितने भी मैचेस 2022 तक खेले गए उनके बाद जो है इमाद वसीम को किसी भी खिलाड़ी ने अप्रोच नहीं किया कि आप पाकिस्तान टीम में वापस आ जाएं। हालांकि उन्होंने बिरूनी ममालिक में डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी खेला और उसके बाद PSL में भी वो काफ़ी परफॉर्मेंस दिखाते रहे, लेकिन बिल आखिर उन्होंने पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनाई। उनका कहना था, कई बार उनके बयान ये भी आए कि सिलेक्टर्स शायद नहीं चाहते हैं कि वो इमाद वसीम को टीम में जगह दे, लेकिन हाल ही में वसीम अकरम की तरफ से भी उनके खिलाफ बयान आया। वसीम अकरम ने उनको तनकीद का निशाना बनाया जब वो वर्ल्ड कप के दौरान TV डिबेट्स में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन आज जो है इमाद वसीम की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होना चाहते हैं, और ये फैसला कहीं ना कहीं उन्होंने जो है ज़हनी दबाव के अंदर किया, यानी उनको प्रेशर था क्योंकि काफ़ी टाइम से उनको खेल से बाहर रखा जा रहा था, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम से बाहर रखा जा रहा था, जिसकी वजह से आज उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। आपको बता दें नाज़रीन, इमाद वसीम ने साल 2015 में जुलाई को उन्होंने टीम पाकिस्तान के लिए जगह बनाई थी, यानी उन्होंने अपना डेब्यू स्टार्ट किया था और लगातार वो कई सालों तक खेलते रहे और उम्दा परफॉर्मेंस उन्होंने दी। लगभग 122 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट इमाद वसीम ने खेले जिसमें उन्होंने उम्दा कारकर्दगी की। हालांकि वर्ल्ड कप में बताया जा रहा था कि इमाद वसीम को होना चाहिए था, लेकिन इमाद वसीम को टीम सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट नहीं किया, जिसके बिना पर आज उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद भी दी, जो नई टीम जो है, जो नई कमेटी तश्कील दी गई है, उनको भी मुबारकबाद दी कि आगे आपका फ्यूचर ब्राइट रहे, यानी उन्होंने एक हिसाब से उनको मुबारकबाद दी, लेकिन इमाद वसीम ने किस दबाव में आकर इंटरनेशनल क्रिकेट से फारिगी हासिल की, एक किस्म का नुकसान है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि आज की अगर हम बात करें, आजकल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई भी ऐसा स्पिनर नहीं है जो कोई कारकर्दगी करने वाला हो। बिल आखिर इमाद वसीम एक ऐसा स्पिनर था जो कि अपनी परफॉर्मेंस दे सकता था, यानी एक हिसाब से जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनके लिए मायूसी की खबर यह है कि इमाद वसीम जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अब परफॉर्म करते थे, आज उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से किनारा कशी की है।